अब ये महंगाई को लेके बहुत मोनार्की हो गया इनका, कोई कंट्रोल नहीं है, वो होना चाहिए कंट्रोल। आप पर्सनल लेवल पे आप क्या चाहती है, परिवर्तन हो या फिर से भाजपा आए? नहीं, परिवर्तन तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वो फिर निरंकुश जो होता है ना वो शासन हो जाता है। तो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है। चेंज तो हमेशा, मतलब आप देखो पॉजिटिव ही होता है, तो चेंज तो होना चाहिए। तो एक बार चेंज होने से सबको डर भी रहता है कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेटर करूँगा, जहाँ मैंने गलत किया वो सही करूँगा। तो चेंजेस तो हमेशा पॉजिटिव अच्छी चीज़ है हो रहा। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो जो मनमोहन सिंह के अंदर बात थी वो अभी कहीं किसी में नहीं नहीं दिखाई दे। पीएम में बड़ा इकोनॉमिक्स था जी, मैं खुद इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ। तभी आप बखूबी जानती हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें कितनी चीज़ें बदली हैं, क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या है, ये हिंदू मुस्लिम का खेल ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया है, जबकि धर्म की राजनीति बढ़ रही है। हाँ है, राजनीति बढ़ रही है, जबकि इंटरनल अगर आप देखो तो वो सारी चीजें है नहीं कहीं भी। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ना आए, भले ही कांग्रेस और भाजपा में से कोई भी आ जाए। हाँ, चांस मिलना चाहिए एक बार कांग्रेस को भी। बताइए मैम, क्या चुनावी माहौल है, महिलाओं के मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार के चुनाव? इस बार तो बहुत टफ होने वाला है। टफ होने वाला है, कांग्रेस है, आप है, भाजपा है, तीनों। भाजपा पुरानी है, भाजपा बहुत पुरानी है, कब्जा भी अच्छा है गुजरात के अंदर, कब्जा अच्छा है। कांग्रेस का भी ठीक है, पहले इसके पहले तो कांग्रेस था थोड़ा, और केजरीवाल का तो पता ही है, लोग केजी हैं, क्रेजी हैं केजरीवाल के लिए। क्यों क्यों, क्या खास दिखाई दे रहा है? खास नहीं है केजरीवाल में कुछ, लेकिन वो इतना मुफ्त मुफ्त देते हैं कि इंडियन मेंटेलिटी वही है। तो मतलब जनता कहीं ना कहीं मुफ्त के लालच में आएगी इस बार, देखो। अगर पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। हाँ, कांग्रेस तो पुरानी है, कांग्रेस तो फिर भी आ सकती है, लेकिन हम लोग को उम्मीद भी है कि शायद कांग्रेस इस बार टफ फाइट तो जरूर देगी, लास्ट टाइम की तरह टफ फाइट तो, क्योंकि मैसाना उसाना जो सारा बेल्ट हो कांग्रेस का ही है। हाँ, वो कांग्रेस का ही है, तो काफ़ी अच्छा फाइट रहेगा इस बार तीनों। भाजपा सरकार की बात करें, क्या काम दिखाई देते हैं आपको धरातल पे? गुजरात में तो काम बहुत दिखाई देता है भाजपा का, हाँ नो डाउट। महिलाओं के लिए क्या काम किया? महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है सेफ्टी बहुत है, हम लोग कभी भी रात के 2 बजे जाएँ 3 बजे जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सेफ्टी है, सिक्योरिटी कह लीजिए तो महिलाओं के लिए। मुझे तो लगता है कि गुजरात में, नॉर्थ इंडियन हूँ बेसिकली, मुझे गुजरात लगता है कि विमेन डोमिनेटिंग स्टेट है ये। और अगर महंगाई की बात करें तो महिलाओं पे कितना असर पड़ता है उसका? किस चीज़ का? महंगाई को। महंगाई तो हर फैमिली पे पड़ता है, क्या महिलाएं क्या जेंट्स, हर क्या चाहते कि महंगाई बढ़ती जाए या कुछ लगाम लगे उस पर? लगाम तो लगना चाहिए एक्चुअली, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा वो मोनार्की साइड भी जा रहा है भाजपा। मेरा जो अपना सोच है वो मोनार्की साइड भी है थोड़ा भाजपा, तो भाजपा को इस चीज़ से पे अपना रोक लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी मोनार्की नहीं चलती है। अब ये महंगाई को लेके बहुत मोनार्की हो गया इनका, कोई कंट्रोल नहीं है, वो होना चाहिए कंट्रोल। तो फिर सत्ता परिवर्तन होगा या दोहराव होगा इस बार भी? परिवर्तन का चांस तो कम है। आप पर्सनल लेवल पे आप क्या चाहती है, परिवर्तन हो या फिर से भाजपा आए? नहीं, परिवर्तन तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वो फिर निरंकुश जो होता है ना वो शासन हो जाता है। तो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है, चेंज तो हमेशा, मतलब आप देखो पॉजिटिव ही होता है, तो चेंज तो होना चाहिए। नहीं तो एक वही मैंने कहा ना, मोनार्की वाली सिस्टम हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक बार चेंज होने से सबको डर भी रहता है कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेटर करूँगा, जहाँ मैंने गलत किया वो सही करूँगा। तो चेंजेस तो हमेशा पॉजिटिव अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार की बात करें तो उस टाइम की महंगाई कैसी थी और अभी की महंगाई कितनी मार रही है? देखो उस समय की महंगाई और इस समय की महंगाई में अंतर जो है ना, डिफरेंसेस, कि इस समय लोग बहुत अधिक, बहुत सोशल मीडिया के कारण ना अवेयरनेस बहुत अधिक हो गया लोगों का। महंगाई उस समय भी थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, महंगाई उस समय भी थी, लेकिन अभी अवेयरनेस है कि लोग एकदम तुरंत जान जाते कि अच्छा ये महंगा हो गया। 10 जगह से सोशल मीडिया से वो कर लेते हैं कंपेयर कि ये जगह यहाँ पे, अगर देश की भी देखो, दूसरे कंट्री को भी देखो, सबको मिला लेते, कंपेयर कर लेते हैं। तो महंगाई उस समय भी थी, लेकिन हाँ ये क्या, कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो जो मनमोहन सिंह के अंदर बात थी वो अभी कहीं किसी में नहीं दिखाई दे। है पीएम में बड़ा इकोनॉमिक्स था जी, मैं खुद इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ। तभी आप बखूबी जानती हैं। अगर अभी के पीएम की बात करें और पुराने पीएम की बात करें तो क्या बड़ा अंतर देखती हैं पीएम की? पीएम देश को बेहतर तरीके से लेकर आगे बढ़ा रहा है। देखो जहाँ तक पीएम की बात है तो पीएम जो आज का पीएम है उससे अधिक ह्यूमैनिटी किसी के अंदर मैंने नहीं देखा। एज ए ह्यूमन बींग ही इज़ द बेस्ट। वो बहुत, आप देखिएगा मोदी के किसी भी रैली को देखिएगा, किसी भी
मीटिंग में देखिए, वो बहुत माइन्यूट चीज़ आप उसको गौर कीजिएगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि हमेशा नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये तो देखो पॉलिटिकल चीज़ है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो भी है, चाहे मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन हो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास का हो, काम करने वाला वर्ग हो, उनको इन सबसे फर्क नहीं। ये ऊपर वाला देख पाती है क्या कि धर्म में लोग बढ़ गए आपस में? हाँ, ये तो बहुत अधिक हुआ है, बड़ा है ना पहले से। वही सवाल हमारा है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें कितनी चीज़ें बदली हैं, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन क्या है, ये हिंदू मुस्लिम का खेल ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया है, जबकि धर्म की राजनीति बढ़ रही है। हाँ है, राजनीति बढ़ रही है, जबकि इंटरनल अगर आप देखो तो वो सारी चीजें है नहीं कहीं भी। ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वही लोग करते हैं, वही लोग खेलते हैं, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है। आम इंडियन पब्लिक को कोई मतलब नहीं रहता है, अब मतलब से महंगाई से, उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा। देखो आज की लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है ना कि इन सब पे किसी का ध्यान नहीं जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, ये ना हिंदू को जाता है ना मुस्लिम को जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं वोट तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही जाता है। ये सब आप देखिए, जितने भी पढ़े लिखे वर्ग नहीं होते ना, जो लोअर क्लास होते हैं, आप किसी भी रैली में देखिएगा, कोई जो इकट्ठा होने वाला लोग है वो क्या है, 10-10 रुपए 100-100 रुपए दे के इकट्ठा होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे केजरीवाल करे, आप करे, कांग्रेस करे या भाजपा करे, इकट्ठा होने वाले यही लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। तो रैली में यही सब बातें करते हैं, यही सब सुनाते हैं, जिनके दिमाग में जो जाता है वो करते हैं। लेकिन आप इंडियन मेंटेलिटी जो मिडिल क्लास के है या हायर मिडिल क्लास के या हायर क्लास के, वो इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिंपल बॉलीवुड देख लीजिए, किसी को कोई मतलब नहीं हो हिंदू मुस्लिम किससे शादी कर रहे हैं। याद आ रहा है कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार वादा किया था कम कर देंगे, लेकिन कितना सच्चा वादा इस वक्त खरा उतर रहा है? कोई खरा नहीं उतर रहा है। इवन आप जब जिस समय उन्होंने वादा किया था, वो पेपर कटिंग करके व्हाट्सएप पे चलता है, सोशल मीडिया पे चलता है, वो तो कहने की बात थी ना। तो मतलब आपने एक कट टू कट कह दिया कि परिवर्तन चाहते हैं। मैं बीइंग ह्यूमन बीइंग, वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अधिक ह्यूमैनिटी है। हम आपकी बातों से समझे, आपने मुद्दे भी गिनवा दिए। एक आदमी पूरे इंडिया को नहीं सुधार सकता, समझे ना। देश उनका साथ दे रहा और कितना साथ चाहिए, 27 साल से गुजरात में है, 8 सालों से केंद्र में। 27 साल से अगर गुजरात में, तो उन्होंने गुजरात को बहुत डेवलप भी किया है, बहुत डेवलप किया है गुजरात को। अगर आप दूसरा स्टेट देख लीजिएगा ना और गुजरात देखिए, हम लोग तो बहुत, चूंकि नॉर्थ इंडियन है तो बहुत जगह से घूम घूम के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो बहुत डेवलप किया है गुजरात को। लेकिन वही बात है, परिवर्तन हमेशा होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। परिवर्तन चाहती हैं कहीं ना। मैं कांग्रेस आ जाए तो ठीक है, आप तो नहीं चाहती। अच्छा, आपको क्यों नहीं चाहती मैम? पहले तो उनका जो पूरा लीडर का ये है ना, लॉबी है ना, उसमें पहले तो कोई अच्छा है ही नहीं, ईमानदार ही नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। बड़ा ईमानदार बताते हैं केजरीवाल। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव से आया हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन उनके साथ जो है वो ईमानदार नहीं है। भले ही कसम खाई थी कि कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, पार्टी नहीं बनाऊंगा, वो तो, लेकिन ईमानदार तो है ना। वो तो अन्ना हजारे भी कसम खाया था कि क्यों मैं ले आए केजरीवाल। मतलब आप ये चाहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ना आए, भले ही कांग्रेस और भाजपा में से कोई भी आ जाए। हाँ, चांस मिलना चाहिए एक बार कांग्रेस को भी,